हाँ नमस्कार, दीपा चतुर्वेदी बोल रहे हैं। मैंने आपको इसलिए फोन किया कि आपने एक तो इन परिस्थितियों में तहसीलदार के रूप में दिन और रात मेहनत की है। आपके जिले में अन्य जिले से आए 7652 प्रवासी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण और कोरोना से निपटने के लिए सब आवश्यक व्यवस्थाएं की, और आपकी तरह अनेकों तहसीलदार साथी लगे हुए हैं। तो मैंने कहा तो प्रदेश की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद दे दूं। आपने अपनी सैलरी से भी राहत कोष में पैसा दिया है, पर जिस कर्तव्य निष्ठा से रेवेन्यू का हमारा अमला काम कर रहा है वो प्रशंसनीय भी है और अभिनंदनीय भी है। कोरोना से युद्ध में की योद्धा की तरह आप लोग लड़ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार इस काम को जारी रखें। बिल्कुल, आपका जो जज्बा है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, और आप सब साथियों के सहयोग से हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। अपना प्रदेश भी बचेगा, देश भी बचेगा, और जनता को सुरक्षित कर पाएंगे। दीपा बेटी, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना, अपने मित्रों को, तहसीलदार और बाकी साथियों को। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते। हाँ, जमील खान बोल रहे हैं। तो SDM के रूप में जमील, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। न केवल लाइन और ऑर्डर बना रहे हैं, बल्कि नहीं, आपने कानून और व्यवस्था भी बना के रखी है। और आपके क्षेत्र में 34 लोग जमात के बाहर से भी आए थे, उनको उनका चेकअप, हाँ, उनको सफलतापूर्वक बाहर शिफ्ट भी किया है और कर दिया ना, और कंटेनमेंट एरिया को अच्छे तरीके से जैसा रखना चाहिए उसको ठीक से इंप्लीमेंट किया है। तो मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूं। हाँ, मुझे लगता है कि युद्ध है एक तरह से, लेकिन हम लोग लड़ेंगे अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेश और देश के लिए, और जीतेंगे। और इसी कर्तव्य निष्ठा से अपनी टीम में लगी रहे, मुझे पूरा गर्व है अपने रेवेन्यू के अमले पर, आप जैसे साथियों पर, पूरी टीम पर। तो मिलकर अपन लोग करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। सब मित्रों को भी मेरी तरफ से धन्यवाद दीजिए, नमस्कार कहिए। नमस्कार, नमस्कार। हाँ ललित, आवाज आ रही? कैसा कैसा चल रहा है जबलपुर में? ललित, आप लोगों ने जो मेहनत की है और जबलपुर को कंट्रोल किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। SLR के रूप में आप भी और रेवेन्यू का सारी सारा अमला इन परिस्थितियों से निपटने में जुट गया, उससे जबलपुर की स्थिति हम लोग तो बेहतर कर पाए। लेकिन अभी ढील रखने की जरूरत नहीं है, ये ना सोचेंगे संकट टल गया, लगातार सतर्क रहना है। नहीं, बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, क्योंकि अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के भी हम दूसरों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्तव्य निष्ठा और पूरे परिश्रम पूर्वक आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपको भी और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और मध्य प्रदेश की जनता गर्व करती है आप लोगों पे, लेकिन हाँ, लेकिन लड़ाई लंबी भले चले लेकिन जंग जीतेंगे। ना डरना है ना रुकना है, बस जीतना है। अपने सब मित्रों को ही मेरी तरफ से धन्यवाद कहिए, मैं सबके साथ हूँ, धन्यवाद। भूमिका शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया भूमिका, आप और पूरे रेवेन्यू की टीम इस कोरोना के संकट से निपटने में जी जान से जुटे हुए हैं,
और दिनों रात राजस्व विभाग का अमला काम कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जिंदगी, अपनी जनता की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए मुझे आपको भी धन्यवाद देना और टीम को भी धन्यवाद देना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बस इतना जरूर कहना है कि लड़ाई लंबी है, हमको जुटे रहना है, अभी जनता को अवेयर करते रहना है, सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाना है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाना है, लाइन ऑर्डर बना के रखना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर हम मिलकर जीतेंगे, इंसानियत जीतेगी, मनुष्यता जीतेगी, अपना प्रदेश जीतेगा, अपना देश जीतेगा। नहीं, आप सबके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ, सबसे कहिए कि मेरा फोन आया था, मैंने सबको धन्यवाद कहा है। धन्यवाद आपको भी, लड़ेंगे और जीतेंगे बेटी। नमस्ते, सुबोध शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। सुबोध, आप लोग आ रही हमारे सारे पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएलआर, कोटवार, सबके सब काम में जुटे हुए हैं, कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जनता को बचा रहे हैं। इंदौर में तो युद्ध कितना बड़ा है जानते हो आप लोग, लेकिन जिस निष्ठा से आप लोग लड़ रहे हैं, मैंने उसके लिए धन्यवाद देने को फोन किया है। नहीं, बिल्कुल, हम सब लोग साथ हैं, लड़ाई लंबी है, बड़ी है, लेकिन हमारा हौसला उससे ज्यादा बड़ा है और आप सबके सहयोग से इस लड़ाई को जीतेंगे। मैं साथ हूँ हमेशा, इंदौर की जनता साथ है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता साथ है। और अपने सब साथियों से कहिए मेरा फोन आया था, मैंने सबको धन्यवाद बोला है। और हर संकट की घड़ी में हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और कोविड-19 को हराएंगे और हमारा प्रदेश और हमारा देश जीतेगा, जनता जीतेगी। और कोई दिक्कत तो नहीं है? सबका हौसला बना हुआ है, तो लड़ते रहिए भाई और जीतिए। नमस्ते, शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ, आवाज आ रही? मैंने इसलिए आपको फोन किया कि पूरी मेहनत से आप लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं, जिस हिसाब से आप काम में लगे हैं, चाहे वो राहत शिविर हो या स्वास्थ्य परीक्षण का काम हो, जरूरी चीजें जनता तक पहुंचाना हो, इसमें जो काम आप कर रहे हैं वो अद्भुत है। और आप सबके सहयोग से ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम जीतेंगे। सभी कोटवार भाई और बहनों को, क्योंकि कोटवार सबसे नीचे की कड़ी और इकाई है और वो गांव-गांव में फैला हुआ है हमारा, तो सारे कोटवार भाई गांव-गांव में जागरूकता फैलाए और जो काम प्रशासन दे रहा है उसको पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं आप, तो सभी कोटवार भाइयों को और बहनों को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और आप सभी कोटवारों से कहना के सीएम का फोन आया था और आपके काम से मैं भी प्रसन्न हूँ और जनता भी प्रसन्न है। अभी लड़ाई है, ये तो युद्ध है कोरोना से, अपन अपने आप को जान जोखिम में डाल के दूसरों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, कोई कठिनाई तो नहीं आ रही? सभी कोटवार भाइयों को बहनों को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन लड़ाई लंबी चलेगी भैया, अभी थके तो नहीं हो? हाँ, थकना भी नहीं है और डरना भी नहीं, बस लड़के जीतना है, है ना? सभी कोटवार भाइयों को और बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सबको कहिएगा कि फोन आया था। नमस्कार, राजस्व विभाग के मेरे अधिकारी कर्मचारी बहनों और भाइयों, सारा देश और अपना प्रदेश
कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और राजस्व विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक पटवारी कोटवार सारा का सारा राजस्व का अमला आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए योद्धा के रूप में मोर्चे पर डटा हुआ है। अपने दायित्व के निर्वाह के साथ साथ कानून और व्यवस्था बनी रहे इसकी आप कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान डोर टू डोर जाकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से तैयार भोजन का वितरण दवाई सब्जी दूध की होम डिलीवरी में हमारे रेवेन्यू का अमला लगा हुआ है। आम नागरिकों को लॉकडाउन के कारण अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी ना हो इसमें आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमारे कई मजदूर जो बाहर से आए उनके लिए हमने कई जगह शिविर लगाए। बाहर के प्रदेशों के मजदूर यहां रुके हुए हैं, अब दोनों की व्यवस्था में लगे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान फंसे व्यक्तियों को ठहरने की, स्वास्थ्य परीक्षण की, भोजन वितरण की व्यवस्था आप सुनिश्चित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग से समुचित स्वास्थ्य परीक्षण के काम में आप लगे, क्वारंटाइन कैंप्स की व्यवस्था आपने सुनिश्चित की है और घर पर जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण, राशन की आपूर्ति इत्यादि सुविधाएं घर घर पहुंच के कर रहे हैं। यह साधारण परिस्थितियां नहीं है, असाधारण परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डाल के राजस्व विभाग का अमला जनता को बचाने में जुटा हुआ है। मैं अपने सभी राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। 7.5 करोड़ जनता आपके साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके साथ कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में मिलकर लड़ेंगे। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। संकट बढ़ाए लेकिन हमारा हौसला उससे भी बढ़ाए। मेरे कर्मचारी मित्रों, हमने ये व्यवस्था भी की, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई अनहोनी होती है तो परिवार को 50 लाख का सुरक्षा कवर देने का हमने फैसला किया है। आप असली हीरो हैं जो मैदान में लड़ रहे हैं, फील्ड में निकल रहे हैं, हर खतरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जनता बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।